आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में क्या नुकसान है ये बताने की कोशिश करता हूँ। आईफोन में बड़ी सी नॉच है, यूएसबी टाइप सी कनेक्टर नहीं लग पाता, इसमें ब्लूटूथ से फाइल नहीं ट्रांसफर कर सकते, गूगल के टीवी या क्रोमकास्ट में कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, कोई गेमिंग मोड नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है, अडैप्टर बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, कोई वैरायटी नहीं है। एक साल में चार फोन निकालते हैं, वो भी तीन कलर में निकालते हैं, बड़े बड़े चेंजेस बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। फोन में चार्जर भी गायब कर दिया, ईयरफोन जैक भी गायब कर दिया, स्मार्ट वॉच है, काफी सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस है, उनको भी कनेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। विंडोज के लैपटॉप से कनेक्ट करना और चीजें ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड्रॉइड में काफी सारे फोन्स में एड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और एड्स के साथ एप्स में भी काफी ज्यादा मैलवेयर आता है, काफी सारी सेटिंग है, सबको समझने के लिए चेंज करने के लिए काफी ज्यादा अंदर तक घुसना पड़ता है, अपडेट्स काफी ज्यादा देर से आते हैं, काफी सारे फोन्स में ऐप में क्रैशिंग इश्यूज आते हैं, फैक्ट्री के इशू आ जाते हैं, कभी कभी ओवरहीटिंग इशू आ जाते हैं। और तो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं, बट कोई ऐसे सिस्टम नहीं है जिसमें सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो। इन दोनों में काफी सारे नुकसान है, बट फायदे भी बहुत ही ज्यादा है, जो नेक्स्ट बताएंगे। उसके लिए नीचे टेक बैनर को सब्सक्राइब कर लो।